वेलकम टू माई YouTube चैनल स्टडी लाइव। टुडे वी विल रीड अ शॉर्ट स्टोरी द क्रो एंड द हंटर, मीन्स एक कौवा और शिकारी, शिकारी और कौवे की कहानी आज हम रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्लॉक ऑफ क्राउस लिव्ड ऑन अ बनियान ट्री। अ फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। क्रो कौवा, क्रोस कौवे। लिव्ड रहते थे। ऑन पर, अ बनियान ट्री, ट्री मीन्स पेड़, बनियान बरगद का पेड़। तो बरगद के एक पेड़ पर कौवों का एक झुंड रहता था। अ वीटी क्रो आल्सो लिव्ड इन द सेम ट्री। अ वीटी, वीटी मीन्स विनोदशील, विनोदपूर्ण, समझदार। क्रो आल्सो लिव्ड इन द सेम ट्री, सेम मतलब उसी। तो एक विनोदशील या विनोदपूर्ण कौवा पहले से उस पेड़ पर रहता था। वन डे द विटी क्रो सा अ हंटर, एक दिन उस विनोदशील कौवे ने देखा, सामिस देखा, उसी का सेकेंड फॉर्म सीमिस देखना, सामिस देखा, अ हंटर कमिंग, हंटर मीन्स शिकारी, जो शिकार करता है, कमिंग आ रहा था। टू दैट ट्री, उस ट्री के पास, उस पेड़ के पास। ही स्प्रेड मैनी ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड। ही मतलब वह शिकारी, स्प्रेड फैलाना, बिखेरना, मैनी ग्रेन्स, मैनी मतलब बहुत सारे, ग्रेन्स मीन्स अनाज के दाने। तो वह जो शिकारी था वो अनाज के दानों को ऑन द ग्राउंड मैदान पर फैला रहा था, मीन्स वो अपना जो काम है वो कर रहा था। प्लानिंग टू कास्ट हिज नेट, प्लानिंग मतलब प्लान कर रहा था, योजना बना रहा था। टू कास्ट हिज नेट, अपने जाल को बिछाने के लिए, नेट मीन्स जाल, कास्ट मीन्स बिछाना। व्हेन द क्रोस एट द ग्रेन्स, जैसे ही वो जो कौवे हैं उसे अनाज के दानों को खाएंगे वो उसमें फंस जाएंगे, ऐसी उसकी योजना थी शिकारी की। द क्रो फ्लू टू वार्न द अदर क्रोस ऑफ द डेंजर इन देयर पाथ। द क्रो फ्लू, जो कौवा था, जो वीटी कौवा था, विनोदशील कौवा था, वो उड़ा, फ्लू मीन्स उड़ा, सेकेंड फॉर्म है। टू वार्न द अदर क्रोस, बाकी दूसरे कौवों को वार्न देने के लिए, चेतावनी देने के लिए, उनको बताने के लिए कि यहाँ पे डेंजर है, डेंजर मीन्स खतरा है। इन देयर पाथ, पाथ मीन्स होता है रास्ता, मार्ग, कि तुम्हारे मार्ग में डेंजर है, खतरा है। ही सेड देयर इज़ अ हंटर हु हैज़ स्प्रेड ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड टू कैच यू ऑल। उसने कहा, बाकी सब के पास जाके कहा कि देयर इज़ अ हंटर, यहाँ पे शिकारी आया है, हु हैज़ स्प्रेड ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड टू कैच यू ऑल, तुम सबको पकड़ने के लिए वो यहाँ पर अनाज के दानों को बिखेर रहा है, फैला रहा है मैदान पर। डू नॉट गो देयर, तुम लोग वहाँ मत जाओ। बट द क्राउस इग्नोर्ड हिज वार्निंग एंड स्टार्टेड फीडिंग ऑन द ग्रेन्स, लेकिन कौवों ने उनकी बात नहीं मानी, उसे इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया उसकी बात को, उसकी चेतावनी को। एंड स्टार्टेड फीडिंग, और दाने को चुगना प्रारंभ कर दिया, स्टार्ट मतलब प्रारंभ करना, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया, फीडिंग दाने को चुगना, ऑन द ग्रेन्स अनाज के दानों को चुगना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जो वीटी कौवा था उसकी बात को उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। जस्ट एज दे हैड बिगन टू ईट, जैसे ही उन्होंने अनाज के दानों को खाना प्रारंभ किया, अ नेट फेल अराउंड देम, जो जाल था वो उनके चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर उनको घेर लिया, मतलब ये जाल में फंस गए। द हंटर्स ट्रिक वर्क वर्कड, जो शिकारी था उसका जो ट्रिक था, जो चाल थी उसकी, वो काम कर गई। वर्क मतलब काम करना, वर्कड मतलब काम किया। इन द क्रोस फेयर कॉच, कैच मतलब पकड़ना और कॉच मतलब पकड़े, पकड़ा। तो वे सभी जो कौवे थे वो उस जाल में फंस चुके थे, और जो वीटी कौवा था उसने उन सबको वार्न किया था कि तुम लोग यहाँ मत जाओ, यहाँ पर अनाज के दाने हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना और सबने उसे इग्नोर करके उस वहाँ पर जो दाने थे उसको खा लिया, और जैसे ही उसने दानों को चुगा कौवे ने, जाल में फंस गए। तो ये जो स्टोरी है इससे हमें मोरल वैल्यूज ये मिलती है कि नेवर इग्नोर एडवाइस दैट कैन बी यूजफुल, नेवर मतलब कभी नहीं, इग्नोर अनदेखा, एडवाइस सलाह
दैट कैन बी यूज़फुल, यूज़फुल मतलब उपयोगी। अगर आपके लिए जो सलाह उपयोगी है उसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये इस स्टोरी का मोरल वैल्यू है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।